मेरी मुंबई की ट्रेन मेरे सामने से निकल रही थी, बट देन किसी ने चेन खींच दिया और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जो ट्रेन छूट गई थी उस पे हम चढ़ गए। भगवान भला करे उसका जिसने चेन खींची। दरअसल मैं सस्टेनेबिलिटी डे एट फैशन वीक अटेंड करने जा रहा था, और सस्टेनेबिलिटी तो देखिए, एक बर्थ पर दो दो लोग, मतलब कार्बन एमिशन नॉट जस्ट 90% लेसर देन एन एयरप्लेन, एक्चुअली उससे भी आधे। अब रात भर नींद तो आई नहीं, और सुबह जब उठे तो गर्दन, पीठ, बम सब दर्द हो रहा था। जय हो आरएसी की, जय हो इंडियन रेलवेज की। मुंबई पहुंचते ही मैंने लोकल ली, वहां से मेट्रो। पहली बार मुंबई मेट्रो का एक्सपीरियंस कर रहा था जो कि बहुत बढ़िया था, और फिर ऑटो लेकर अपने होटल पहुंचा। फिर जल्दी से रेडी हुआ और गुड बॉय रिपीट ड्रेसर की तरह मैंने वही आउटफिट पहना जो कि अपनी बहन की शादी पर 4.5 साल पहले पहना था। माय फर्स्ट एवर डिजाइनर परचेज। फैशन वीक में फैशन फॉरवर्ड लोग तो बहुत मिले, बट हाईलाइट था सर्कुलर डिजाइन चैलेंज का विनर, जिन्होंने चिप्स के प्लास्टिक रैपर्स को कन्वर्ट किया था इनटू फैशनेबल सनग्लासेस। सस्टेनेबिलिटी को सेक्सी बना रहे हैं यार। होपफुली बॉलीवुड की नगरी भी सस्टेनेबिलिटी को एम्ब्रेस करे जल्दी ही।